हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, इधर दो दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, जबकि आज जो है आज मैं एक वीडियो डाला हूं जो मैं परसों बनाया था, और सारा कुछ एडिट करने के बाद भी मैं नहीं डाल पा रहा था। तो कारण क्या था वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। तो कारण ये था दोस्तों कि जो है मेरे वहाँ जो है थोड़ा प्रोग्राम था, जैसा कि भाई आए हुए थे। तो अभी मैं मतलब 2 महीने पहले चाचा बना हूँ, तो वो जो भतीजा था वो मुंबई में था, और अभी भाई भाभी भतीजा जो है घर पे आए। जैसा कि मैं इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था, तो कि पापा जो है भाई को रिसीव करने गए एयरपोर्ट, तो भाई आ चुके हैं। तो उनके आने के बाद से जो है थोड़ा सा प्रोग्राम है, गांव के कुछ लोगों को जो है इनवाइट किया गया, मतलब दावत वगैरह का सिस्टम है, तो वही प्रोग्राम चल रहा है। तो आज देख सकते हैं ये जो बर्तन वगैरह है ये धुले जा रहे हैं, और खाना जो है आपका उधर पक रहा है, ले चलते हैं वहाँ भी आपको दिखाते हैं। तो आज इलेक्ट्रिक से रिलेटेड नहीं, आज जो है मैं एकदम आपको जो है गाँव का ब्लॉग देने वाला हूँ। तो जो लोग भाई इलेक्ट्रिक से रिलेटेड ही सिर्फ देखना चाहते हैं, तो आज जो है मेरा ब्लॉग भी देख लीजिए। और अभी तो मैं आप लोगों को ब्लॉग जो है इसी चैनल पे दे रहा हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में जो है मैं ब्लॉग का चैनल जो है अलग बनाऊँगा, और उस पर सिर्फ जो है मैं जहाँ जाऊँगा या जो किसी फंक्शन में या कुछ भी प्रोग्राम होगा ईसा डाई, मतलब इस तरह का, या डेली का जो भी अपना काम का रूटीन का सिस्टम है वो सब मैं उस चैनल पे डालूँगा। और इस पर सिर्फ जो है आपको जो है इलेक्ट्रिक शॉप से रिलेटेड या इलेक्ट्रिक काम से रिलेटेड, मतलब इस तरह की जो है जानकारी मैं आप लोगों को देता रहूँगा। तो लेकिन अभी वो चैनल जब तक मैं नहीं बनाया हूँ, तब तक मैं जो है ब्लॉग भी जो है आप लोगों को इसी चैनल पे दूंगा, क्योंकि पहले भी जो है मैं ब्लॉग वगैरह भी डाला करता था। तो अभी जो है मैं ज़्यादा बात ना करते हुए ले चलता हूँ पहले जो है वहाँ पे, जहाँ पे बावर्ची हैं जो है खाना बना रहे हैं, वहाँ मैं ले चल के आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह से जो है वहाँ पे खाना बन रहा है। चलिए वीडियो का आप लोग बने रहिए। ये देख सकते हैं यहाँ पे 2 अंडा चढ़ा हुआ है जो है चूल्हे पे। ये सब प्याज कट के रखा हुआ है, और इसमें मसाला है वो प्याज कुछ अलग मॉडल है, वो अलग काटी हुई है, वो अलग कटा हुआ है, और ये पिसा हुआ जो है कुछ मसाला है वो तो गरी लग रहा है देखने में, और ये कुछ पोस्ता वगैरह टाइप का है, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है, और वो जो है लहसुन है, तेल, नमक, ये सारा जो तेल मसाला यहाँ पे इस तख्त पे रखा हुआ है, और बाकी 2 अंडे ये चढ़े हुए हैं, एक गोश्त का एक चावल का। ये सब दुकान के ही लड़के देख ही रहे हैं आप, जो है पहचान रहे होंगे बराबर। ये पानी भर के ला रहे नल से। ये स्कूल है, घर के सामने स्कूल है, उसी स्कूल में जो है कोई किसी भी तरह का प्रोग्राम होता है यहाँ पे हो जाता है। और यहाँ से निकल के मैं आप लोगों को जो है अपने घर का व्यू भी देता हूँ कि ये स्कूल है, और स्कूल से अपना घर कहाँ पे वो दिखा देता हूँ। ये आप सामने देख सकते हैं, ये अपना घर है, वहाँ भी देख सकते हैं कुर्सी वगैरह रखी हुई है।
तो दोस्तों सब ये डेकोरेशन वगैरह हो गया, जितना जो पौधा वगैरह पे सब लाइट लग गई है झालर, और अभी साफ़ आपको पता नहीं चल रहा होगा क्योंकि उजाला है, रात होने के बाद पता चलेगा। फिर भी आपको सामने का कैमरा ऑन करके मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से लाइट लगी हुई है। तो देख सकते हैं गमले में जो है गेंदे वगैरह फूल लगा, इस सब पे जो है झालर लगी हुई है। तो इस टाइम उतना आपको जो है देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, जब रात होगी तब इसका जो है सारा जो है मज़ा रात को आएगा। और इसी तरह से नीचे भी है, अभी ऊपर जो है साउंड वगैरह का जो है तार लग रहा था तो ऊपर मैं आ गया हूँ, तो ऊपर का आपको दिखा रहा हूँ सारा तार। देख सकते हैं सारे झालर वगैरह जो है लगी हुई है, डेकोरेशन लाइट। अब यहाँ से नीचे चलेंगे तो नीचे भी दिखाते हैं। तो अब देख रहे हैं जैसे जैसे सूरज ढल रहा है जो झालर वगैरह लगी थी उसकी लाइटिंग बढ़ते जा रही है, और जितना रात होगा उतनी ही लाइटिंग बढ़ जाएगी। तो दोस्तों अभी सारा प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है और रात के बज रहे हैं 10। तो अभी सामने वाला कैमरा ऑन करके जो है मैं घर के अपने डेकोरेशन दिखाता हूँ। जैसे घर के सामने 3 पेड़ पपीते का है, उसके ऊपर जो लाइटें लगाई गई थी उसका क्या लुक आ रहा वो सारा दिखाता हूँ। ऊपर जो छत के ऊपर जो लगा हुआ था, दिन में तो नहीं कुछ समझ में आ रहा था लेकिन इतनी टाइम जो है मतलब बहुत ही अच्छा दिखने में लग रहा है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह की जो डेकोरेशन हुई है। तो अभी सामने कैमरा ऑन करता हूँ। ये आप देख सकते हैं ये सब जो है पपीते का पेड़ पे लगा है। थोड़ी लाइट इस पर कम मतलब झालर ख़त्म हो गई, नहीं तो थोड़ा और घना डाला गया होता तो और अच्छा लगता। और यहाँ नीचे जो फूल के पौधे हैं सब उन पे लगाया गया है, आप देख सकते हैं कितना जो है खूबसूरत लग रहा है। और ऊपर आप देख सकते हैं ये भी जो है ये सब गेंदे का पेड़ है, जितना आप देख रहे हैं जिसपे भी झालर लगी हुई है ये सब गेंदे का पेड़ है। सिर्फ लास्ट वाला जो है नींबू का है और उसमें जो है मिर्चा भी है, ये वाला जिसमें नीली लाइट जल रही है कोने में। तो बहुत ही अच्छा जो है व्यू आ रहा, देख सकते हैं आप लोग। ये नीचे का है, अभी छत पे चल के वहाँ करीब से भी दिखा देता हूँ कि इस टाइम जो है कैसा व्यू आ रहा। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ छत पे और आपको दिखाता हूँ करीब से कि कैसा जो है इस टाइम का लुक है। ये देख सकते हैं गमले में सब जो है फूल लगा हुआ है गेंदे का, तो उस पर जो लाइटें लगाई गई हैं नज़दीक से तो थोड़ी कम जो है खूबसूरत दिख रही है लेकिन दूर से जो है देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये सारे जो है गमले में पौधे हैं, अभी कुछ पौधे जो पीछे भी थे लेकिन टाइम नहीं मिला कि उसको भी डेकोरेट किया जाए, नहीं तो और खूबसूरती बढ़ जाती। मेरा होम